हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवत्री साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देवस्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, बहुत मजेदार बातें मैं लेकर आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये यूट्यूब में पहली बार ऐसा वीडियो बनने जा रहा है। तो कुछ खास डेट और टाइम्स के बारे में हम बात करेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है और उसको कैसे बोला जाता है। और मुझे ऐसा यकीन है कि अंत तक आप बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से लेकर जा पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ जो अब तक किसी ने नहीं बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। गुड कम्युनिकेशन देव क्लासेस, कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी देव क्लासेस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेट लिखना सीखते हैं। अगर कहीं डेट आपको लिखना है किसी फॉर्म को भरते हुए, या कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, या कोई आप मेल लिख रहे हैं, तो कैसे लिखा जाता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला है 27 जून। तो अगर आप इसको लिखना चाहते तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब पढ़ने की पारी आएगी तो आप किस तरह से लिखेंगे? द 27th of June। तो यहाँ पर TH भी लगेगा, तो द 20 और द भी लगाना है आपको। मैं बता दूँ, द आप छोड़ नहीं सकते, द 27th of June, ठीक है। या आप जून 27 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? जून 27। तो यहां पर अब जून 27 होगा, 7th करके नहीं बोलना है, जून 27 हो जाएगा, क्लियर। तीसरा देखिए, अगर आपको लिखना है जून 27, तो जून 27 TH आप यहां लगा सकते हैं नीचे, या चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं। और पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे? जून द 27, जून द 27। और अगर आपको इस तरह से लिखना है 27th June, तो आप बोलेंगे द 27th of June। तो इस तरह से हम डेट लिखते हैं और डेट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कई बार हम लोग फॉर्म भरते हुए या कहीं हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हम डेट लिखते हैं। और आपने भी प्रायः शायद डेट इस तरह से कई बार लिखा होगा, 6/7/19 करके, ठीक है। अब इसका दो अर्थ निकलेगा। दुनिया में दो प्रकार के इंग्लिश चलती है, आपको मालूम है, एक तो ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा अमेरिकन, क्लियर। तो जब आप ब्रिटिश के नजर से देखते हैं तो इसका अर्थ होता है डे, फिर आपका आता है मंथ, और इसके बाद आता है आपका ईयर, ठीक। लेकिन अगर अमेरिकन के नजर से देखिए तो ये हो जाता है मंथ, फिर आपका आता है डे, फिर आता है ईयर। तो ब्रिटिश के नजर से क्या हो जाएगा, ये छठवां तारीख, ठीक है, सातवां महीना 2019। तो छठवां तारीख, सातवां महीना, तो ये क्या हो गया, सिक्स, सातवां महीना मतलब जुलाई 2019, तो 6 जुलाई 2019। लेकिन अगर अमेरिकन के नजर से अगर आप देखिए तो ये मंथ हो गया, मंथ हो गया मतलब ये जून का महीना हो गया, सातवां तारीख, तो ये हो जाएगा 7th June 2019। तो देखिए बहुत फर्क पड़ गया, 6 जुलाई और 7 जून। तो जब आप इंटरनेशनल कई फॉर्म भर रहे हैं या कहीं आप एयरपोर्ट में हैं, दुनिया के किसी और भी कोने पे हैं, तो इस तरह से लिखने का आप प्रयास ना करें, इससे बचिए। उससे अच्छा आप इस तरह से लिख दीजिए, ये इंटरनेशनली चलता है। मगर आपको जैसे 6 जुलाई लिखना है तो 2019 6 जुलाई इस तरह से लिख लीजिए, और आपको अगर 7 जून लिखना है तो आप इस तरह से लिख लीजिए। बट इस तरह से लिखने का प्रयास ना करें, लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इंडिया में क्या, तो इंडिया में चलता है भाई ब्रिटिश, क्योंकि हमारे खून में आज भी अंग्रेजों की गुलामी है। 200-250 साल तक उन्होंने राज किया, तो जो अंग्रेजी उन्होंने छोड़ा है वो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश इंग्लिश रहा, ठीक है, जितने लिटरेचर्स पहले लिखे गए वो ब्रिटिश इंग्लिश है। रेन एंड मार्टिन आप पढ़ते हो ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, पेपर आप पढ़ते हो ब्रिटिश इंग्लिश। आप देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, कलर की स्पेलिंग क्या होता है, COLOUR, ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें COLOR हो जाता है। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपको एरर दिखा देता है। क्यों एरर दिखाता है, जरा सोचिए। हम सही लिख रहे हैं, COLOUR सही लिख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, लेकिन अमेरिकन स्पेलिंग, अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग COLOR होता है, ठीक। अब आप ये समझिए, कंप्यूटर आप चला रहे हो किसका, माइक्रोसॉफ्ट का,
माइक्रोसॉफ्ट को मालिक कौन है? बिल गेट्स। और बिल गेट्स कहाँ का है? अमेरिका का है। तो वो अपना इंग्लिश चलाएगा, वो ब्रिटिश को क्यों चलाएगा? इसलिए वो एरर दे देता है। बट ये हमारा सही है, ठीक। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं। अगर आप इंडिया में लिखना है, ठीक है, तो इंडिया के हिसाब से इसका मतलब ये निकलेगा, क्योंकि भारत में ब्रिटिश इंग्लिश चलता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो कुछ और हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले केस में हमने डेट लिखना और पढ़ना सीखा। अब सेकंड केस में हम ईयर के बारे में बात करेंगे कि ईयर को लिखना कैसे है और बोलना कैसे। तो देखिए, लिखने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ होता है बोलने में। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बोर्ड में देख पा रहे हैं, 1800, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1800। तो याद रखना, इसको 1800 नहीं पढ़ेंगे अगर ये ईयर है। अगर कोई रुपये की बात होती तो आप बोल सकते हो, प्लीज़ गिव मी 1800 रुपीज़ या 1800 रुपीज़। बट ये ईयर है तो ईयर को 1800 पढ़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से 1907 है तो इसको 1907 नहीं पढ़ेंगे, 1907 पढ़ा जाएगा। 1512 को हम 1512, तो हम क्या करेंगे, 15 को अलग पढ़ेंगे, 12 को अलग पढ़ेंगे। 1512 नहीं पढ़ना है, 1512 पढ़ना है। 1662 को हम क्या पढ़ेंगे, 1662। तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 62। ठीक उसी तरह से 1987 को हम क्या पढ़ेंगे, 19 और उसके बाद 87। तो ये दो अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो 1987 नहीं होगा। हाँ, मैथ्स वगैरह की बात हो रही है, पैसे के लेन देन से संबंधित बात हो रही है, तो हम उस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन जहां ईयर की बात होती है तो इसका पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। चलिए दोस्तों, अब तीसरा केस लेते हैं, द टाइम। ठीक है, टाइम से संबंधित कोई भी बात को लिखना या बोलना है तो हम कैसे बताएंगे? तो चलिए देखिए, यहाँ पर बोर्ड में देखिए, तो अगर लिखना है, कोई टाइम लिखना है, जैसे कि 6:05 हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, 5:06। ठीक है, 5:06, तो 6:05 हुए हैं तो 5:06। दोस्तों, घड़ी का समय अच्छे से कैसे बताया जाता है, इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यूज ऑफ इट। तो इट के माध्यम से मैंने घड़ी का समय बताना सीखा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने बताया है, और ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए हैं जो अधिकांशतः किताबों में उपलब्ध नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए, ठीक। तो घड़ी का समय आपको देखना आ जाएगा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो चीज़ आपको पता है, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको 5:30 लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, 5:30, ठीक है, या 5:30। तो 30 को हम हाफ भी बोलते हैं क्योंकि 60 का आधा 30 होता है। क्लियर है? 6:23, मतलब 6:23 हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे 23 minutes past 6। अब देखिए, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए या आप इनको कंपेयर कीजिए, यहाँ लिखा है 5:06 और यहाँ पे 23 minutes past 6। तो याद रखना, ये जो 5 और 30 है, ये 5 के मल्टीपल है, 5 से भाग जाते हैं, इसलिए आपको मिनट्स नहीं लिखना होता, लेकिन 23 5 के मल्टीपल नहीं है, मतलब 5 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आपको मिनट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 23 minutes past 6। ठीक उसी तरह से 9:45, ठीक है, तो 9:45 को हम क्या बोलेंगे, 15 to 10। तो याद रखना, यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे 45 past 9, जैसा कि आपने यहाँ लिखा ना, 6:05 है तो 5:06 बोला आपने, तो 9:45 हुए हैं तो 45:09 नहीं बोलेंगे, ये 30 से ज़्यादा हो गया, पलट कर बनाते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो इट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फंडा क्लियर होगा। पलट के बनाते हैं तो 9:45 हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 10:15 बाकी है, तो ये 15 to 10। तो जो मिनट बीत जाता है उसके लिए पास लगाते हैं, और जो मिनट बीतने वाला है उसके लिए 2 लगाते हैं, तो 15 to 10। ठीक, 9:00 को इस तरह से पढ़ा जाएगा। क्लियर? अब एक मजेदार बात मैं बताता हूं, ओ क्लॉक का प्रयोग जो है पूर्ण अंक के लिए किया जाता है, जैसे 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से जो भी है उसके लिए हम ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो 9 बजा है तो इट इज 9:00 बोल सकते हैं, लेकिन 11:05 हैं हुए हैं तो 5:11 ये गलत है, क्योंकि ओ क्लॉक का प्रयोग जो है
बीता हुआ मिनट या जो मिनट बाकी है उस केस में नहीं होता है, एक पूर्ण अंक के लिए होता है जिसमें मिनट या सेकंड नहीं आया हो। तो कभी भी इस तरह से आपको नहीं बोलना है 5 past 11 o'clock, आप बोलेंगे 5 past 11, तो ओ क्लॉक का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। ओ क्लॉक का प्रयोग केवल पूर्ण अंक के लिए होता है, 1 बजा है 2 बजा है 2 बज के 10 मिनट हुए हैं उसमें ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों अगला केस में हम अब बात करते हैं एएम और पीएम। तो एएम पीएम कैसे लिखा जाता है और उसका क्या गणित है, इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मरेडियम मतलब बिफोर मिड डे। तो मिड डे के पहले को हम बोलते हैं एएम, एंटी मेरेडियम, ये लैटिन शब्द से आया हुआ है। रात 12 से दोपहर 12 तक, तो जैसी रात 12 हुआ अगले दोपहर 12 बजे तक जितना भी जो समय होता है 12 घंटा वो एएम कहलाता है। मतलब अगर आप सुबह के 7 बजे की बात कर रहे हैं तो वो एएम है। ठीक, अब बात करते हैं पीएम। तो पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मरेडियम, ठीक है, आफ्टर मिड डे, मतलब आफ्टर मिड डे मतलब दोपहर के बाद। तो दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं और कोई घड़ी का समय आपको बताना है तो आप उसमें पीएम शब्द जोड़ेंगे। एक बात जिसको आपको समझना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब जैसे एक सेंटेंस मैं कहना चाहता हूं 10 बजा है, तो इट इज 10 AM, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो या आप इसको ऐसा लिख सकते हो इट इज 10 o'clock, क्लियर। तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन कभी भी आप इस सेंटेंस को बोलने का प्रयास ना करें क्योंकि बोलते समय एएम पीएम नहीं बोला जाता है। लेट मी क्लियर यू कि लिखते समय एएम और पीएम लिख सकते हो, इट इज 10 AM या इट वॉज 10 PM या इट वॉज 11 AM। तो AM और PM लिखा जा सकता है लेकिन कभी बोला नहीं जा सकता है, ये बोलने के लिए आपको नहीं यूज करना है। तो टाइमिंग के जो भी पार्ट्स ऑफ टाइमिंग है आप उसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग या नाइट, क्लियर है। तो अगर आपको बोलना है इट इज 10 AM तो आप इसको 10 AM को आप इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज, क्योंकि ये तो गलत है, तो इट इज 10 o'clock इन द मॉर्निंग, क्लियर। तो इट इज 10 AM नहीं बोलना है, इट इज 10 o'clock इन द मॉर्निंग। और ठीक उसी तरह से अगर आपको बोलना है कि शाम के 6 बजे हैं तो इट इज 6 PM आपको नहीं बोलना है, क्योंकि पीएम को आप नहीं बोल सकते, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज 6 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। तो इट इज 6 o'clock इन द इवनिंग, तो याद रखना मॉर्निंग और इवनिंग के पहले द भी लगता है और इन नामक प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन अगर नाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो द का प्रयोग नहीं होता और एट का प्रयोग होता है। जैसे कि रात के 10 बजे हैं तो इट वॉज या इट इज 10 PM नहीं बोलना है, तो इट इज 10 o'clock एट नाइट, इट इज 10 o'clock एट नाइट, इन द नाइट भी नहीं होगा, एट नाइट होगा। तो द का प्रयोग नहीं करना है और इन का प्रयोग नहीं करना है, तो द का जो प्रयोग होता है मॉर्निंग और इवनिंग के लिए होता है और साथ में इन नामक प्रपोजिशन का यूज होता है, लेकिन लेकिन नाइट के लिए आपका एट लगेगा, एट नाइट, क्लियर है यहां तक। तो चलिए दोस्तों लास्ट में हम लोग देखते हैं कि टेलीफोन नंबर कैसे बताया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान लो एक टेलीफोन नंबर है 3074992, तो अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, 30, ठीक है। तो ब्रिटिश स्टाइल में इसको ओ पढ़ा जाता है, बट इंडिया में 0 थोड़ा पॉपुलर हो गया, अदरवाइज आप किसी ब्रिटिश से बात करेंगे तो वो फोन नंबर में ओ बोलेगा। तो 3074922, तो 3074922,
टू। अब यहाँ पर देखिए मज़ेदार बात बताता हूँ, ब्रिटिश और अमेरिकन में फ़र्क। मान लो अगर उनको कोई नंबर बोलना है 6622, तो ब्रिटिश लोग कैसे बोलेंगे, 6622। ठीक है, तो ये 6 और 6 आ रहा है, इसको 6622। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, 6622, तो वहाँ पे डबल बोलने का रिवाज नहीं है। वहाँ पे जो जैसा है उसको बार बार रिपीट करके बोला जाता है। जैसे कि एप्पल बोलना है तो एप्पल ब्रिटिश के हिसाब से APPLE, लेकिन अमेरिकन के हिसाब से APPLE। क्लियर? तो होप सो शायद ये कुछ मज़ेदार चीज़ें मैं आपको बता पाया, आपका स्पोकन और रिटर्न अच्छा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day.